हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिस्टम ऐप्स के बारे में। सिस्टम ऐप्स क्या होती हैं, क्यों हमें दी जाती हैं और इनका काम क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर पहले मैं आपको बता देता हूँ सिस्टम ऐप्स होती क्या हैं। तो गाइस, एप्लीकेशन की जो अंदर की सेटिंग्स रहती हैं उन्हें आप सिस्टम ऐप्स कह सकते हैं, सिस्टम सेटिंग्स कह सकते हैं, सिस्टम मैनेजमेंट्स कह सकते हैं। ये यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन के अंदर भी मिल सकती है सेटिंग्स में जाकर, या आप यहाँ से डायरेक्टली थ्रू जाकर सब एप्लीकेशंस को एक एक करके देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कैमरे की सेटिंग्स, तो अंदर की जितनी भी सेटिंग्स होगी वो यहाँ पर आपको सब मिल जाएगी। कैमरा हो आपका, जो भी आपकी सिस्टम की एप्लीकेशन होती हैं, रिकॉर्डिंग, ब्राउज़र, म्यूज़िक, कैमरा, सिक्योरिटी, कैलेंडर, म्यूजिक्स, जितनी भी होती हैं वो यहाँ पर सब आपको मिल जाती हैं। अब यहाँ पर इनका देने का मकसद क्या होता है, क्यों होता है, अब आप नहीं जानते अंदर से आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, तो आप यहाँ से इसको बहुत आसानी के साथ देख सकते हैं। जैसे कॉल सेटिंग्स वगैरह हो गई, क्योंकि यहाँ पर आपको मेन्यू बार में कुछ नहीं दिया जाता, सिर्फ नीचे के सेटिंग्स में दी गई होती हैं, और यहाँ पर आपको हर चीज़ इसकी मिल भी जाती है। इनकमिंग कॉल सेटिंग, आइडेंटिफी नंबर्स, जितने भी सेटिंग्स होती है वो यहाँ पर दे दी जाती है, और एक्ज्यूमे के सेट्स में आपको हर सेटिंग्स यहीं पर ही अवेलेबल हो जाएंगी। तो आपको कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी दिक्कत आती है, तो यहाँ पर इन सेटिंग्स में जाकर आप सारी सिस्टम को डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। ये एक बेसिक बहुत अच्छा फीचर्स होता है इनका, और आप थोड़े से ज़्यादा कुछ जानते हैं तो आप अंदर से भी जा सकते हैं, और सिस्टम ऐप्स के अंदर से तो आपको सब कुछ मिल ही जाएगा। आपके सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या अपडेट हैं, क्या क्या नहीं है, वो सब कुछ मिल जाता है। तो ये होता है सिस्टम ऐप्स। अगर यहाँ पर समझ में आया हो आपको कि क्या होता है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।